मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जाहिद अली है। आई एम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल। मैं पिछले कुछ सालों से अमेरिका से पाकिस्तान मूव करके आया हूँ और अब यहीं भी बेस्ड हूँ एज एन हेड ऑफ डिपार्टमेंट कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल डेंटिस्ट्री। एक्चुअली आजकल अमेरिका में और यूरोप में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डेंटिस्ट ही कराते हैं। जिस तरह बोटॉक्स हो गए, इंजेक्शन हो गए, इस तरह स्लीप एपनिया, इसलिए कि स्लीप एपनिया के अक्सरियत केसेस वो होते हैं जो कि एक डेंटिस्ट यानी स्लीप वो डेंटिस्ट जिसने स्लीप मेडिसिन में स्लीप एपनिया में ट्रेनिंग ली होती है। इस तरह आजकल अमेरिका में ट्रेनिंग दी जाती है फेशियल एस्थेटिक्स के, जिसमें बोटॉक्स भी हैं, पीआरपी भी है, जो कि स्पेशली करते ही डेंटिस्ट हैं। एक्चुअली सारी बात आ जाती है पैराडाइम्स में। पैराडाइम्स शिफ्ट हो रहे हैं वेस्ट में और अमेरिका में, और वहाँ पे चूंकि ग्रोथ का आपका 70-80% आपकी जो ग्रोथ है वो रिलाई करती है आपके हेड एंड नेक पे है, और डेंटिस्ट ही वही बंदा होता है, वही डॉक्टर होते हैं जो कि हेड एंड नेक की स्पेशलिटी रखता है। तो इस वजह से बाहर जाके जब आप डेंटिस्ट्री कर जाते हैं तो उसके बाद आपको फर्दर ट्रेनिंग आपके लिए दी जाती है, लाइक TMJ में हो गया, स्लीप एपनिया में हो गया, TMD हेडेक माइग्रेन में हो गया, और एस्थेटिक्स फेशियल एस्थेटिक्स जिसमें फिर आपका PRP आता है, और फिर आप PRP खाली दांतों के लिए नहीं देते, हेयर फॉल के लिए भी देते हैं, और इसकी अपनी ट्रेनिंग होती है। सो वो जो ट्रेनिंग है वो आजकल दुनिया में दी जा रही है डेंटिस्ट को। देखिए जी, फ्यूचरिस्टिक डेंटिस्ट्री जो है इसका ये किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा है। फ्यूचरिस्टिक डेंटिस्ट्री का मतलब ये है कि जब हम बच्चों की स्क्रीनिंग करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा जो सबसे पहला फोकस होता है वो ENT के ऊपर होता है, लाइक एडनॉइड्स होते हैं, या अगर बच्चा थोड़ा बड़े एज में होते हैं तो ट्रांसर्स होते हैं। तो हमारे लिए जो मेजर स्क्रीनिंग का जो सबसे मेजर एम है वो है एयरवे को क्लियर करना, और वो एयरवे को क्लियर करने के लिए जैसे ही हमारे पास बच्चे आते हैं तो हमने देखना होता है कि इसको हम किसको रेफ़र कर सकते हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा पहला रेफरेंस आता है वो पीट्स और ENT वाले आते हैं। सो लिहाजा हम वो हैं, हम एक ब्रिज हैं जो कि काफ़ी चीज़ें, लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें ENT और बाकी जो पीट्स वाले हैं और गायनी वाले हैं और जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं सर, इनको भी चाहिए कि ये डेंटिस्ट को इनको इनकॉर्पोरेट करें। अगर डेंटिस्ट्री और ये सारे मिलके काम करेंगे तो वो बीमारी, इसलिए कि ना डेंटिस्ट अकेले में सब कुछ कर सकता है और ना ही पीट्स और ENT और जो बाकी प्रैक्टिशनर्स हैं ना वो अकेले सब कुछ कर, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एक मिलके सबको करना पड़ता है। अब मिसाल के तौर पे हम लेते हैं स्लीप एपनिया। ये याद रखें कि इवन स्लीप एपनिया एक साइकिल है, ये साइकिल है एक पल्मोनोलॉजिस्ट के पास, एक ENT स्पेशलिस्ट के पास, एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, और डेंटिस्ट के पास, और इस तरह ये एक पूरा साइकिल है, सब ने देखना पड़ता है। आम तौर पे हमने देखा हुआ है कि मोस्टली जो स्लीप एपनिया के पेशेंट होते हैं वो स्लीप स्टडी ज़रूर कराते हैं और डेंटिस्ट से भी अपने एवेल्युएशन ज़रूर कराते हैं। हर पल्मोनोलॉजिस्ट, हर ENT वाले, ये सबसे इनको जाना पड़ता है, और जितने भी अप्लाइंसेस होते हैं मोस्टली हमने देखा है कि 80% में केसेस जो होते हैं उसमें डेंटिस्ट का काम ज़रूर होता है, अगर चाहे वो CPAP पे रहो चाहे BiPAP पे हो। और मैं अगेन ये कहूँगा कि अमेरिका में और यूरोप में CPAP और BiPAP एडवाइज ही डेंटिस्ट आजकल कर रहे हैं। अगर बच्चों का तो ये है कि हम स्क्रीनिंग करते हैं और प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं या ज़रूरत पड़ती तो ट्रीटमेंट भी करते हैं, और वो प्रिवेंटिव मेजर और वो जो ट्रीटमेंट होती है वो उन बड़े बड़े बीमारियों से बच्चे को बचा लेते हैं जो कि अगले 40, 50, 60, 70 साल में होते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा प्रिवेंटिव मेजर स्क्रीनिंग से और या बड़े होके उसको प्रॉब्लम आ जाती हैं तो उसकी भी ट्रीटमेंट है, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल इट एडल्ट ट्रीटमेंट। फिर एडल्ट ट्रीटमेंट में ये होता है कि ज़रूरी बात है कि, लेकिन इस वजह से हम अक्सर कहते हैं कि द अर्ली द किड कम टू आर ऑफिस द मोर बेनिफिट द किड विल गेट आउट ऑफ इट। सो ये तो एक चीज़ है कि जितनी आप अर्ली एज में ट्रीटमेंट कराते उतना ज़्यादा उसको फ़ायदा होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो एडल्ट स्टेज में गुजर गया, एडल्ट स्टेज में एंटर हो गया और उसको वही प्रॉब्लम्स आने लगी उसका हल नहीं है, डेफिनेटली उसके भी हल हैं।
जहाँ भी जलन डेंटिस्ट्री की बात होती है तो ये याद रखें कि आजकल जो नया मैं कहूँगा कि पेशेंट के लिए जो सबसे सेटिस्फैक्ट्री है वो ये है कि हम एज अ टीम वर्क करते हैं। एक पेशेंट जो होता है वो एक प्रॉपर एक डॉक्टर की टीम आती है और वो उस पेशेंट को देखते हैं। बेशक वो मे बी एक सिंपल स्केलिंग के लिए आया होगा, लेकिन जब उसको हम जर्नल उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, डेंटल स्क्रीनिंग जो काम करते हैं, एक्सरे लेते हैं, फिर पेशेंट को देखते हैं, चाहे उसको रूट कैनाल की ज़रूरत हो, चाहे स्केलिंग की ज़रूरत हो, चाहे वीकनेस ऑफ गम हो, चाहे एक्सट्रैक्शन हो, लेकिन हमने फिर उसको एज अ टीम वर्क लेना पड़ता है और जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन पेशेंट के लिए होगा हम उसी को करते हैं। अब अक्सर हम थोड़े से एक्चुअली ये डेंटिस्ट्री कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल फ्यूचरिस्टिक डेंटिस्ट्री थोड़ी सी काफ़ी हद तक आपस में मिली हुई है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ कि अगर एक बच्चा आता है और उसके दांत नॉन अलाइन है और उसको ब्रेसेस की ज़रूरत होती है तो हम खाली उसके दांतों को नहीं देखते हैं। एक्चुअली हमने फिर देखना होता है कि ये पूरा जो हेड इन है कि जिसमें खाली अगर उसके दांत इफेक्टिव हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके जो इर्द गिर्द के बोन और मसल स्ट्रक्चर हैं वो भी इफेक्टेड होते हैं। तो आप जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हमने उस पैराडाइम्स को बहुत ब्रॉडन करना पड़ता है, सिर्फ दांतों के हद तक नहीं करते। फिर हमने देखना पड़ता है कि अगर हम दांतों को करते हैं तो हमने कौन कौन से स्टेप उठाने पड़ते हैं जिसमें दांत के साथ उसके बोन और उसके मस्कल और उसके जितने भी फेशियल एस्थेटिक स्पेशली स्पेशल वो सही रहे। एस्थेटिक्स के साथ जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो उसको हम कहते हैं फंक्शन। फंक्शन का मतलब ये है कि आप ट्रीटमेंट ऐसी तरीके से करें कि आपको आपकी जो पूरा चेहरा है, जो आपको पूरा फेस है, उसके फंक्शन लाइबिलिटीज़ आप पूरी करते हैं। आपकी वो हड्डियां जो कि आंखों के साथ है, वो हड्डियां जो कि अंदर हैं, या वो हड्डियां जो कि एक्सटर्नल वो कराते हैं, आपने इन सब को देखना पड़ता है और आपने प्रॉपर 110% एफर्ट लगाने पड़ते हैं कि दांतों के साथ आप उसको भी एड्रेस कराते हैं। और उसी में फिर एक चीज़ ये भी होती है, कोशिश ये होती है कि बग़ैर एक्सट्रैक्शन के बग़ैर दांत निकाले हुए आप उसको सही कराते हैं। अब इस तरह हमारी कोशिश होती है कि अब जिस तरह इम्प्लांट्स हैं तो इम्प्लांट्स की अहमियत इस वजह से भी बढ़ रही है कि अगर एक मिसिंग टूथ है तो कोशिश होनी चाहिए कि उस मिसिंग टूथ ही को हम रेक्टिफाई करें, उसी की ट्रीटमेंट करें, ना कि उसके साथ जो एडजेसेंट टीथ हैं उसको ख़राब करके इम्प्लांट लगाएं। और वैसे भी जितने भी अब जैसा टाइम गुजरता जा रहा है इम्प्लांट की अहमियत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए कि जब आप इम्प्लांट लगाते हैं तो उसके साथ जो एडजेसेंट टीथ होते हैं वो उसी तरह एज इट इज़ अपने असली हालात में बच जाते हैं, बजाय इसके कि आप अगर ब्रिज लगाते हो तो ब्रिज में यह होता है कि आप जो दांत मिसिंग है उसके एडजेसेंट दांतों को भी आपने जो कि हेल्थी दांत हैं उसकी फिर आपने रूट किनाल भी करना पड़ता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती और उसकी कटिंग भी करनी पड़ती है और डेफिनेटली आप उसके लाइफ को जेपर्डाइज करते हैं। एक बहुत ही अहम चीज़ है जो कि इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है PRP। सबसे ज़्यादा मैं आपको ये कहूँगा कि इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है और हम जो PRP करते हैं ये रिसर्च बेस्ड है। आई मीन इट्स नॉट जस्ट अ प्रोसीजर, हम उसको एज अ प्रोसीजर नहीं कर रहे हैं, हम इसको एज अ रिसर्च बेस्ड कर रहे हैं। PRP वेस्ट में अगेन हर जगह यूज़ होती है, ऑर्थोपेडिक्स में भी यूज़ हो रही है, ओपन हार्ट सर्जरीज में भी यूज़ हो रही है और जितनी भी जनरल सर्जरीज हैं इन सब में यूज़ होती हैं। कॉस्मेटिक्स में बहुत यूज़ हो रही हैं, फेशियल एस्थेटिक्स के लिए यूज़ हो रहे हैं, बालों के लिए यूज़ हो रहे हैं और डेंटिस्ट्री में दांतों के लिए। हमारे लिए ये होता है कि हमने पहली दफ़ा PRP को एक प्रॉपर ऐसे तरीके से किए हैं जिससे एक ही टाइम पर आपके दांत, आपका जो पेरिडोंचम है, आपका वो सिस्टम जो कि आपको दांत को हेल्थी रखता है, उसको, आपके फेशियल स्किन को और बालों को गिरने से रोकता है। तो खाली PRP पर हम इसको PRP खाली हम दांतों के लिए नहीं कर रहे हैं या उस सिस्टम दांतों की स्टेबिलिटी के सिस्टम के नहीं करें, बल्कि आजकल PRP आप बालों के लिए भी करते हैं एक ही शॉट में, बालों के लिए, स्किन के लिए और दांतों के लिए। और आजकल रिसर्च भी यही कह रही है कि अगर आप PRP दांतों के अंदर करते हो जो कि स्पेशली वो जगह जो कि स्टेम सेल्स के डेपोज़ हैं वो आपकी सारी बॉडी को फिर फ़ायदा देते हैं।
तो ये खाली दांतों के लिए नहीं है, ये काफ़ी आपकी पूरी बॉडी को ये फ़ायदा देता है। बात होती है हेल्थी की, बेशक अगर आपके दांत हेल्थी भी हों और आप चाहते हैं कि ये इस तरह हेल्थी रहें जिस तरह हर बंदा चाहता है कि वो जवान रहे सारी ज़िंदगी, तो इस तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत हेल्थी, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको ओरल हाइजीन के कुछ मॉडिफिकेशन के साथ आपको PRP करना पड़ता है। और PRP इज़ बेसिकली एक लाइफ स्टाइल की, ये नहीं है कि ये आपको कुछ अरसे के लिए करना पड़ता है, आपने एक मेंटेनेंस के लिए आपको PRP को अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ता है, जिसमें दांतों का सबसे पहले होता है। इसी तरह अगर आपके बाल नहीं भी गिर रहे हैं, आपको आप चाहते हैं कि जी आपके बाल गिर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त सब्स्टिट्यूट जो है वो PRP है। अगर आपको लग रहा है कि जी आपके बाल इस उस स्टेज में गिर रहे हैं जिसके बाद आपको हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है या आपको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत, तो उसके लिए भी हेयर ट्रांसप्लांट को कामयाब करने के लिए या हेयर ट्रांसप्लांट से बचने के लिए आपको PRP अपने लाइफस्टाइल में लाना पड़ता है। इस तरह आजकल जो बहुत ज़्यादा US में बड़ा काफ़ी उसको पजीराई मिली है, काफ़ी लोग इसको इनक्रेज कर रहे हैं, दैट इज़ अ स्किन PRP, और स्किन में काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें एक बात याद रखें कि इसमें दो चीज़ें बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि एक्सपर्ट होना चाहिए कि उसको पता, और सेकंड ये कि जो PRP आपको लगी जा रही है उस PRP की क्वालिटी कितनी अच्छी है, और इसके अपने तरीके होते हैं, और जितनी अच्छी क्वालिटी की PRP आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। जितनी भी हमने डिस्कशन की है फ्यूचरिस्टिक डेंटिस्ट्री के बारे में, या बच्चों की स्क्रीनिंग के बारे में, या ऑर्थोडोंटिक्स के बारे में, PRP के बारे में, या स्लीप एपनिया, माइग्रेन, हेडेक, इंक्लूडिंग इवन आई मीन पोस्ट माइग्रेन डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें, इसके लिए अगर आपको किसी को भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, दे आर वेलकम। आप किसी टाइम पे किसी भी टाइम आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मरहम के थ्रू आप मुझ तक पहुंच सकते हैं एनी टाइम, किसी भी टाइम पे जिस तरह का भी क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह हम उसका आपको कोशिश करेंगे आपको तसल्ली बख्श जवाब दें।